अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8 क्लास की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कहीं से कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूँगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये टर्मिनेटिंग और रिकरिंग फ्रैक्शन का बताना है हमने कि कौन से इनमें से, इस सारे क्वेश्चंस में से कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से रिकरिंग है। अगर मैं इनकी डेफिनेशंस वगैरह करवाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और मैं आपको साथ साथ करवाती हूँ क्वेश्चन, फिर आपको समझ आ जाएगी कि कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से रिकरिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4/6। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे हम 4/6। फोर हमने इनको डिवाइड करना है, 4 को अंदर रखा, 6 को बाहर रखा। आप 6 वन और 6 भी करेंगे ना तो 4 में से 6 नहीं निकल सकते। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये छोटी रकम आ गई है। यहाँ पे हम पॉइंट डालेंगे, पॉइंट के बाद एक ज़ीरो उतार लेंगे, ठीक है। पॉइंट जब भी डालते हैं तो हम चाहे जितने मर्जी ज़ीरो उतार सकते हैं। अब 6×6=36 होता है और 6×7=42 होता है। ज़्यादा बेटर है कि हम 6×6=36 कर दें। अब 40 में से 36 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। पॉइंट लगा हुआ है, फिर से ज़ीरो उतार लेंगे, फिर दोबारा 6×6=36 हो गया। अभी भी देखो, 40 में से 36 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। पॉइंट लगा हुआ है, फिर से ज़ीरो उतार लो, फिर 6×6=36। अभी क्या पता चल रहा है इस पास से हमें कि फिर से 4 आंसर आ रहा है, फिर से दोबारा, फिर वही साइकिलिंग रिपीट होगी। इसका मतलब है कि फिर 6 लगेगा, फिर 6 लगेगा। इसका मतलब है कि 0.666 अप टू सोन 6 चलता चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं, टर्मिनेट नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसका मतलब है, इसको हम कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, या इसका दूसरा नाम है, और जो दूसरा नाम है जो बुक पे हेडिंग में दिया हुआ है, रिकरिंग, ठीक है, ये नाम है इसका। ये हमारे पास, ये वाला जो क्वेश्चन है 4/6, ये हमारे पास क्या होगा, रिकरिंग होगा, ठीक है। इसके साथ हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 11/12। तो हम क्वेश्चन को राइट कर लेंगे 11/12। ओके, ये लिखते हैं क्वेश्चन, 11 को अंदर रखा, फर्स्ट ऊपर वाली चीज़ को अंदर रखते हैं, डिवाइड तो करना आता ही होगा आपको, सेकंड वाली चीज़ को बाहर रखेंगे। अभी देखो, ये 11 छोटे वाली चीज़ अंदर है, बड़े वाली चीज़ बाहर है, तो हम पॉइंट डाल के ज़ीरो उतार लेंगे। अब हम एक और काम करेंगे कि 11, 12 के टेबल में देखेंगे कि सुटेबल आंसर कौन सा होगा, इसके नीचे कौन सा हम लिखेंगे। 12×8 हमारे पास होता है 96, और 12×9 हमारे पास होता है 108। तो ज़्यादा परफेक्टली आंसर क्या है हमारे पास, 108, वो लिखेंगे। 110 में से 108 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। पॉइंट लगा हुआ है, ज़ीरो को फिर से करेंगे, तो अब 12 के टेबल में 12×12 होता है, 12×2=24 होता है। अभी फिर ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 24, तो फिर हम 12×12 करेंगे, 20 में से 12 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर रह गया 8। पॉइंट उतार के, पॉइंट लगा हुआ है, ज़ीरो को उतार लेंगे। अब 12 के टेबल में देखते हैं कि 80 आता है या नहीं आता। 12×5 हमारे पास होता है 60, 12×6 हमारे पास होता है 72, 12×7 होता है हमारे पास 84। तो हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12×6=72। ओके, 80 में से 72 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। अब फिर से पॉइंट लगा के ज़ीरो उतारेंगे, पॉइंट लगा हुआ है, सॉरी, ज़ीरो उतर जाएगा। अब फिर से 12×6=72। ओके, तो 80 में से 72 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, फिर से 8 आ जाएगा।
मतलब क्या हो रहा है, फिर से दोबारा पॉइंट लगा हुआ है, जीरो उतारेंगे, फिर वही चलता जा रहा है, सिक्स 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 चल रहा है, तो अभी भी देखो 0.91666 अप टू 66 चल रहेगा। इसका क्या मतलब हो रहा है, ये एंड नहीं हो रहा, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं आ रहा, आंसर कहीं पे नहीं, ख़त्म नहीं हो रहा है इसको, तो ये फिर से ये क्या होगा, ये रिकरिंग होगा हमारे पास, ठीक है। ओके, अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1/3। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको यूँ समझा रही हूँ, बाकी फिर मैं आपको ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊँगी कि क्या होता है। वन को अंदर रखा, ऊपर वाली चीज़ को अंदर रखते हैं, सेकंड नीचे वाली चीज़ को बाहर रखते हैं, अभी अंदर वाली चीज़ छोटी है, पॉइंट लगाएंगे, जीरो उतारेंगे, थ्री थ्री ज़ार हमारे पास होता है 9, 10 में से 9 निकाले 1 रहा, माइनस किया तो 10 में से 9 को माइनस किया 1 रहा, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो फिर से उतार लो, थ्री थ्री ज़ार 9, फिर से देखो वही साइकिल रिपीट हो रहा है, 10 में से 9 निकालेंगे 1 रहेगा, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो उतारेंगे, फिर 3 3 9 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि 0.3333 अप टू 33 रिपीट होता चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे पास रिकरिंग है। ओके, समझ आ गई। अब जो है हम इसके अलावा हमने थर्ड क्वेश्चन कर लिए हैं 2/5 तक, अब हम करेंगे 8/11। फोर्थ क्वेश्चन जो हम 8/11 कर रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन 2/5 है, 2/5 हमने क्वेश्चन को राइट कर लिया। अब देखो अगर मैं ये आपको क्वेश्चन कैलकुलेटर से करवाऊंगी, मेरे ख्याल से 8th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल्स में कैलकुलेटर अलाउ होता है, पंजाब बोर्ड का सिलेबस करवा रही हूँ कवर, तो आप लोग अगर चाहो तो ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लो। 2/5, सिंपल 2 डाला, डिवाइड डाला, 5 डाला और इक्वल प्रेस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.4, या इसको मैं एक दफ़ा वो भी करवा दूँ क्योंकि मैंने आपको सारे रिकरिंग वाले करवाए हैं, नॉन रिकरिंग मैंने आपको नहीं समझाया एक भी, टर्मिनेटिंग वाले। पॉइंट डाला, जीरो तारा, 5 4 20, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आंसर टर्मिनेट कर रहा है, रुक गया, ख़त्म हो गया, 20 में से 20 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर जीरो आ गया, ठीक है। जब जीरो आंसर आ गया तो उसका मतलब है ये रुक गया आंसर, अब ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है इसका 0.4 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग, ठीक है। ओके, उससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास 8/11, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को लिख लिया, अब मैं कैलकुलेटर पे आपको जस्ट बताऊंगी कि क्या 8/11, ये 8/11 किया, इक्वल प्रेस किया तो 0.7272 अप टू 100 आ रहा है, ठीक है ना, 7272, इसका मतलब ये रुक नहीं रहा। अच्छा, तो फिर इसका क्या मतलब हो गया, ये भी हमारे पास क्या है, रिकरिंग है, ठीक है। अब हम उससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, हमारे पास है 5/12, उसको राइट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 5/12। ओके, अब हम क्या करेंगे, 5/12 इक्वल, हमारे पास आंसर आ गया 0.416666। अच्छा, ये 66 अब टू सोन जो चलता जा रहा है ना, 66, इसका ये मतलब नहीं है कि रुक गया, कैलकुलेटर जितनी वैल्यू दे सकता था ना आपको इस पे स्क्रीन पे शो कर सकता था, उसने सारी कर दी है और सारे में 66 आ रहा है, इसका मतलब है ये रुक नहीं रहा है, चलते जा रहा है, ये रिकरिंग है, ठीक है। तो ये हमारे पास 0.416666 अप टू 100 चल रहा है, ठीक है, तो उसका भी मतलब क्या होगा, ये भी क्या है हमारे पास, रिकरिंग है, ठीक है, या इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं। उससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, अभी हमने किया 5/12, अब हम करेंगे ये 5/7 वाला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन लिखेंगे हम 5/7, कैलकुलेटर पे हम लिखेंगे 5/7, इक्वल प्रेस किया, हमारे पास आंसर आ गया 0.71428 5714 0.71428 5714 14। इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन जो है ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रिकरिंग होगा, ठीक है, ये रिकरिंग है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6/10 हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो 0.6 होगा, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16/20, उसका आंसर 0.8 आता है, ये भी टर्मिनेटिंग होगा।
फिर नेक्स्ट उससे अगले वाला क्वेश्चन है 9/10। 9/10 जो है उसका आंसर सॉल्व कर कैलकुलेटर पे तो 0.9 आता है, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। और फिर 1/8 होगा, ये हमारे पास 0.125 आएगा इसका आंसर, तो ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा। ओके अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14/20। इस क्वेश्चन को मैंने राइट कर लिया है 14/20 और इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख लेते हैं 14/20 का आंसर क्या होगा हमारे पास 0.7। ओके 0.7 मतलब क्या हो रहा है कि ये भी टर्मिनेट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी क्या होगा हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा। ठीक है अब उससे अगले वाला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास नेक्स्ट 2/3 ये क्वेश्चन होगा 2/3। ओके ये क्वेश्चन था, अब हम इसको भी लिख लेंगे 2/3 इक्वल प्रेस किया तो ये देखो ये चलता चला जा रहा है 0.6666 अप टू 0.66 0.666 अप टू 0.6 चलता जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सा है रिकरिंग है। ओके अब उससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास 4/5। इस क्वेश्चन को राइट कर लेंगे 4/5 इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास 0.8 आंसर आ गया, तो 0.8 जो होगा वो हमारे पास क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं जल्दी से 1/4। इस क्वेश्चन को राइट कर लेंगे 1/4 इसको भी कैलकुलेटर से ही सॉल्व करेंगे 1/4 इक्वल प्रेस करेंगे 0.25। अच्छा जिसका भी अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगी, फिर आपको सॉल्व करवा दूंगी, इनके स्क्वायर रूट निकलवा दूंगी। 7/9 इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लिखते हैं क्वेश्चन हम अपना 7/9 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0.777 अप टू सोन, इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास क्या है रिकरिंग। ओके अब लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा इसका, नहीं अभी दो क्वेश्चन पड़े हुए हैं, अभी क्वेश्चन है हमारे पास 8/10 और 3/5 के दो क्वेश्चन हैं, ये दो क्वेश्चन मैं अभी करवाने लगी हूँ आपको। फर्स्ट हम करेंगे 8/10 करेंगे हम कैसे, अगर हम कैलकुलेटर पे 8/10 करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.8। 0.8 का क्या मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग है हमारे पास। उससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था लास्ट वाला 3/5 ये क्वेश्चन था, इसको भी जल्दी से कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं 3/5 इक्वल प्रेस करेंगे हमारे पास 0.6 आंसर आ रहा है, इसका मतलब है ये भी हमारे पास क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। मेरे ख्याल से आपको इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आई होगी फर्स्ट पार्ट की, अगर समझ नहीं आ रही मैं फिर से कह रही हूँ आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। ओके